जो योगी जी कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम भी किसान हैं, जबकि देश का किसान जवान बराबर है। अब जैसे कि लखनऊ का बहुत सारा विकास हुआ है, एक आना स्टेडियम बना, यहाँ पे मेट्रो बनी जी, और मोदी जी ने सिर्फ उसका नाम चेंज किया बस, और कोई काम ना किया है। कांग्रेस की क्यों? क्योंकि इनसे लागू अच्छी है, क्योंकि हम लोग 10 बार हम बराबर वोट दें भाजपा के यहाँ, नतीजा शून्य, क्योंकि हम पिछड़े और 20 साल पीछे पहुँच गए। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। लोकसभा 2024 का डंका बज चुका है। इस बार पहला मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है, और आपको बता दें कि ये अब तक का सबसे लंबा होगा पूरे 44 दिन का। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के कटवारा क्षेत्र में, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हम उनसे जानेंगे कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जनता किस पार्टी को चाहती है। लोकसभा का चुनाव का डंका बज चुका है, तो आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार रहनी चाहिए इस बार? कांग्रेस की क्यों? क्योंकि इनसे लागू अच्छी है, क्योंकि हम लोग 10 बार हम बराबर वोट दें भाजपा के यहाँ, नतीजा शून्य, क्योंकि हम पिछड़े और 20 साल पीछे पहुँच गए। 20 साल पीछे पहुँच गए, क्योंकि पहले नोटबंदी भय और फिर कोरोना चला, सरकार ने कोई मदद नहीं दिया। कोरोना तो ईश्वर गति है। जो किसान है, नहीं जो चीज़ है किसान के हित में, यहाँ मतलब भाई जीरो रहे, सिलेंडर रहा 400 का, और कांग्रेस 1000 रुपये रहा है, तो कांग्रेस वाला चली गया है ना, है? अब तुम्हारी क्यों नहीं, तुम क्या नहीं बोलते हो 1200 सिलेंडर नहीं पीना चाहिए ना भाई? किसान कौन रहते हैं, कलेक्शन फ्री के दो पहले, हैं? और फ्री दे के बाद में 1000 रुपये दे रहे हो, हैं? चला कहाँ का जुल है? और दूसरी बात, खाद है, सब्सिडी है, और डीजल तो महंगा है, किसानी डीजल कम 80-70 होना चाहिए, वो 200 में ले रहा है, किसान भाई 20 बिकेगा और तुम्हारा मिलेगा 50 में बिकेगा, है? तो कौन सा अच्छा काम हो रहा है, है? खाली हाँ योगी फिर ठीक है, मोदी तुलना में योगी ठीक है, बाकी ना कि मोदी ठीक है। बगैर मोदी के योगी कुछ कर नहीं सकता, मजबूरी है। बगैर मोदी के योगी जी कुछ नहीं कह सकते, मोदी अपनी जगह पर हैं और योगी जी अपनी जगह पर हैं। जो योगी जी कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे हिसाब से मोदी जी बहुत गरीब, बताइए कौन ऐसी सरकार आई है जो अब भाई कांग्रेस को सपोर्ट कर, हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते कि भाई आज गरीब आदमी जिनके मजदूरी ना है कि इन बहुत लाइन गए, दो साल से ज़्यादा हो गया है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो हैं तो ये खरीद के दे रहे हैं ना, का भाव खरीदते हैं का फ्री देते हैं, भाई हम सपोर्ट करेंगे जरूर आपको, अंग्रेज कोई ना, बात ना, नहीं ना, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मोदी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा बनाया जा रहा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये बात जरूर है कि महंगाई ज्यादा हो गई, हाँ ज्यादा हो गई, ये भाई सरकार कमी कुछ रोक लगाओ है उसके ऊपर तो ठीक है, लेकिन वैसे राशन देखिए अच्छा काम किया, मतलब राशन देखिए नहीं पूर्व बनी, 2 किलो राशन दे दो, बताओ क्या हम बताए, किसान निधि है, हैं? किसान निधि है 2000 करे उसको, अपन तो आज को इसको 2000 आप 10000 करिए, कहे तो हम किसान को बढ़ा दे, नहीं जानते हैं दो की दो ही है, 10 साल में दो में काम चल जाएगा, है? सरकार है तुम्हारे, हर महंगाई बढ़ता है, हमारा क्यों नहीं बढ़ता है? हम भी किसान हैं, जबकि देश का किसान जवान बराबर है, नहीं है? जैसे क्या हुआ है? अब जैसे कि लखनऊ का बहुत सारा विकास हुआ है, एक आना स्टेडियम बना, यहाँ पे मेट्रो बनी जी, और मोदी जी ने सिर्फ उसका नाम चेंज किया बस, और कोई काम ना किया है। दूसरी बात, हमारे यहाँ सांसद हैं कौशल किशोर जी, वो यहाँ पर कटवारा गाँव से ही जीते लगभग, लेकिन यहाँ एक बार भी नहीं आए जीतने के बाद। अच्छा, और क्या आपको लगता है कि जिस वजह से सफाई यहाँ पे आए? नहीं, सपा ने जो है युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए, यहाँ मैंने जो भी जिन लोग से बात की वो चाहते हैं कि मोदी सरकार है, क्योंकि सबका ये कहना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर मिला है उसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो एक हिसाब से राजनीति से अलग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही, राजनीति उसमें जोड़नी नहीं चाहिए, पहली चीज तो ये। लेकिन कहा जा रहा है ना कि इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, तो आपके हिसाब से क्या है? राजनीति जोड़नी चाहिए उससे, तो ये कहेंगे राजनीति से दूर रहना चाहिए, मंदिर और राजनीति क्या मतलब? अच्छा, तो सपा ने ऐसे काम क्या किया है कि सपा को ही जो है आप चाहते हैं कि वो सरकार में दबदबा बना रहे? आप क्या चाहती हैं?
मैं भी ये कहूंगा कि आप देखिए क्यों चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बने। देखिए मेरा नहीं, देखिए हम तो पत्रकार हैं, हम अनबायस्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन आप बार बार ये कह रही हैं कि बीजेपी सरकार बने। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी सरकार बने, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैंने और लोग से भी बात की, लोग का अलग अलग है कि कोई चाहता है कांग्रेस बने, कोई चाहता है बीजेपी आए, मोदी सरकार है, कोई चाहता है सपा जैसे आप बोल रहे हो। तो मैं यही चाह रही हूँ कि अगर आप सपा बता रहे हैं तो क्यों बता रहे, एटलीस्ट पांच कारण बताइए कि क्यों। युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए। अच्छा, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, और क्या, जैसे हम लोग हैं तो नौकरी नहीं मिल पूरे उत्तर प्रदेश को लेके बताइए, जैसे क्या सपा ने किया कि आप चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए सपा, मैं बताइए, मैं पत्रकार हूँ, मैं बता रही हूँ कि सपा की जो भी हालत है वो शायद थोड़ी कमजोर है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सपा आनी चाहिए, तो थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि ऐसा क्या कारण है कि सपा आनी चाहिए 2024 में। देखिए मैं एक चीज कहूँगा, युवाओं को लेके, युवाओं को लेके आपने बताया जी। दूसरा, नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को। हाँ, बेरोजगारी मुद्दा है। कोई भी पेपर होता है लीक, लीक हो जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में जो लीक ना हो रहा हो, यहाँ तक इंटर का पेपर लीक, सीटेट का पेपर लीक, कोई भी पेपर हो लीक, क्या फायदा है सरकार से? और क्या हो सकता है, सरकार कोई भी आए, मैं नहीं कहूँ सपा ही बने। सीधा से ये कहना है कि सपा ही जरूरी नहीं है, सरकार कोई भी आए, लेकिन उसका फायदा मिलना चाहिए सभी को, ये कहना चाह रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।